आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज, हर खबर का असर। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं स्टार डी न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरों से। दूसरे चरण के मतदान के दौरान बवाल, भाजपा नेता तन्मय घोष पर हमला। बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान जारी है। सूबे के 4 जिलों की कुल 30 सीटों के लिए वोट पड़ रखे गए हैं। भाजपा ने आरोप लगाया है कि टीएमसी कार्यकर्ताओं ने पश्चिम मेदिनीपुर के केशपुर में उसके महिला पोलिंग एजेंट पर हमला किया है। पोलिंग एजेंट को अस्पताल ले जाया गया। भाजपा नेता तन्मय घोष पर हमले की खबर है, उनकी कार में तोड़फोड़ की गई है। डरा रही कोरोना की रफ्तार, 24 घंटों में 72,000 से ज्यादा मामले, अक्टूबर के बाद से सबसे ज्यादा केस। कोरोना वायरस एक बार फिर भारत समेत तो दुनिया के ज्यादातर देशों में पैर पसार रखा है। भारत में लगातार कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ रहा है। बीते 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 72,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं 459 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। बंगाल में हिंसा का दौर जारी। मेदिनीपुर के केशपुर में टीएमसी कार्यकर्ता की हत्या। डेबरा में सियासी बवाल। बंगाल में दूसरे चरण का मतदान शुरू होने से पहले तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यकर्ता की पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मेदिनीपुर जिले में कथित रूप से हत्या कर दी गई। 48 साल के उत्तम डोलोई केशपुर इलाके के हरिहरपुर के एक स्थानीय क्लब में थे कि तभी 10 से 15 अज्ञात लोगों ने उन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज केरल दौरा, रोड शो के साथ करेंगे चुनावी सभा। भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों की शीर्ष सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज केरल का दौरा है। केरल विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर भारतीय जनता पार्टी वहां की हर विधानसभा में अपना प्रचार अभियान काफी तेज कर रही है। लखनऊ में 8वीं तक बिना परीक्षा मिलेगी अगली क्लास। सीएमएस स्कूल प्रशासन ने लिया फैसला। कोविड-19 की वजह से सिटी मॉन्टेसरी स्कूल सीएमएस ने कक्षा 8 तक कोई भी परीक्षाएं ना कराने का फैसला लिया है। इन कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को पिछली परीक्षाओं में प्राप्त अंकों के आधार पर अगली कक्षा में प्रोन्नत किया जाएगा। हेमंत सोरेन की बीजेपी को खुली चुनौती, मेरी सरकार गिराने से पहले नेता प्रतिपक्ष तो बना ले। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भाजपा को खुली चुनौती दी है। ममता बनर्जी के विपक्ष के नेताओं को लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए बोले मुख्यमंत्री, यह आने वाले वक्त के लिए अच्छा संकेत नहीं है। बेरोजगारी भत्ता के लिए आज से करें अप्लाई। सरकारी प्राइवेट नौकरी के लिए एडी चोटी का जोर लगाने वाले और करियर में बेहतरी की चाह रखने वाले शिक्षित बेरोजगारों को संबल देते हुए बेरोजगारी भत्ता देने का ऐलान किया गया है। डीएमसी ने बनाया धनबाद की सड़कों पर सीएनजी बसें चलाने का प्लान। सरकार से 50 की डिमांड। यात्रियों के आवागमन को बेहतर बनाने के लिए धनबाद नगर निगम डीएमसी बस सेवा शुरू करेगा। इसके लिए निगम ने 50 बसों की डिमांड भी कर दी है। यह सभी बसें सीएनजी से चलेंगी। ये बात अलग है कि लोगों की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए में खरीदी गई 56 सिटी बसें बिना चले ही खराब हो गई। टाटा वर्कर्स यूनियन ने रद्द की क्लब हाउस की सभी बुकिंग। कोरोना को लेकर जारी किया आदेश। कोविड-19 के शहर में बढ़ते प्रकोप को देखते हुए टाटा वर्कर्स यूनियन नेतृत्व अपने संचालित सभी क्लब हाउस में सभी तरह के आयोजन की बुकिंग रद्द कर दी है। आधिकारिक रूप से बुधवार को इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया गया। एक वर्ष बाद आज से खुलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र। कोरोना संक्रमण को लेकर बंद नन्हे बच्चों का प्राथमिक पाठशाला आंगनबाड़ी केंद्र विभागीय निर्देश पर एक वर्ष बाद गुरुवार से खुल रहा है। केंद्र के संचालन को लेकर सेविका व सहायिका पिछले कई दिनों से आंगनबाड़ी केंद्र समेत आसपास की सफाई कर रही है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।